हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से मैं बस्टर को कंफर्म में बस्ट करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ऑल राइट गाइस, हम लोग को पहला मैच ये होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर JCB को ऐड करेंगे, उसका बाइक उसके बगल में लगाएंगे तो होगा ग्लिच। तो मैं जल्दी से बिना किसी देरी के JCB को बुला लेता हूँ, जिस उसके पहले मैं इन्फिनाइट हेल्थ लगा लिया हूँ 9129 के चीट कोड से। अब मैं लगाने वाला हूँ, मतलब अब मैं बुलाने वाला हूँ JCB को 6677 के चीट कोड से। हमारा JCB आ चुका है। अब मैं मंगाने वाला हूँ एक बाइक 400 के चीट कोड से। 400 के चीट कोड से हम लोग के गेम के में ZX10R आ चुकी है। आप लोगों को कुछ इस तरह रख अपने कार और JCB को खड़ी कर लेनी है। उसके बाद हम लोग बाइक के अंदर बैठेंगे, बाइक उसका हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग टेलीपोर्ट होके इधर आ चुके हैं। आप लोग अपने आंखों से देख लिए हैं। एक बार मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे टेलीपोर्ट होके इधर आ चुके हैं। अगर हम लोग का जो कार और मतलब सॉरी हम लोग का बाइक और JCB का ऑप्शन है, अगर वो दोनों एक साथ अगर दिख जाते हैं तो हम लोग सीधे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं फिर मैं आ चुका हूँ। एक बार मैं अब इधर बुला लेता हूँ JCB को मैं जल्दी बुला लेता हूँ। उसके बाद एक बाइक को भी बुला लेता हूँ 400 के चीट कोड से। उसके बाद मैं अब JCB के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं होता है क्या मैजिक। तो भाई आप लोगों को कुछ इस प्रकार खड़ी कर लेनी है अपने JCB और बाइक को। उसके बाद आप लोगों को JCB वाले कार के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा, जैसे मैं करने वाला हूँ। तो मैं कर देता हूँ कार JCB वाले के ऑप्शन पे। तो अपना जो कैरेक्टर आप लोगों को देख सकते हो वो हवा में उड़ने लगा है। जी हाँ गाइस, हम लोग का जो कैरेक्टर है वो हवा में इतना ऊपर चला गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और हम लोग एकदम हवा में बाइक को चला रहे हैं, मतलब ये आधा JCB के अंदर बैठा हुआ है और आधा हम लोग के बाइक के अंदर, आप लोग देख सकते हो। और ये बाइक भी भाई बहुत ही हवा में है और आप लोग देख सकते हैं इसको कंट्रोल्स। तो भाई हम लोग एक ही साथ दोनों JCB और बाइक के भी कर ले रहे हैं, लेकिन भाई मिथ बहुत ही अच्छा था। और हम लोग बाइक के ऊपर एकदम खड़े होके चला रहे हैं और JCB भी हम लोग की अपने आप ही कंट्रोल हो रही है। हम लोग से बाइक को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ JCB को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोग को ये मिथ कैसा लगे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम लोग इस वाले JCB के पास आते हैं तो क्या कुछ होगा क्या? क्या तो हम लोग बाइक से टेलीपोर्ट होके चले जाएँ। तो भाई मैं आ चुका हूँ और भाई यहाँ पे कुछ नहीं हूँ। भाई इस बंदे को क्या हो, भाई जमीन के अंदर क्यों जा रहा है? भाई ये जो धरती है भाई इसके अंदर चला गया अपने बंदा। आप लोग देख सकते हो जो अपना कैरेक्टर वो इसके नीचे जा चला चुका है। और भाई ये घूम क्यों रहा है भाई इधर? और भाई अगर हम लोग कैमरा चेंज करेंगे तो हम लोग सीधा आ जाएंगे भाई JCB के पास। तो भाई ये एकदम नीचे भाई कहीं से चला रहा भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई सामने ठुक जाएगा भाई, जो बाइक थी वो भी हवा में उड़ने लगी। और आप लोग देख सकते हैं जो अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छा चला रहे थे। मिथ कंफर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ, जो कि है हम लोग का पुलिस स्टेशन के अंदर। जो हम लोग के पुलिस स्टेशन के अंदर जो CCTV कैमरा लगे हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन से कि नहीं, बस इसी यही मिथ है हम लोग का। तो मैं जल्दी आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन के पास। देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन में। उसके बाद अब मैं चलता हूँ अंदर। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ इतने सारे CCTV कैमरे लगे हैं, 1, 2, 3 और एक इधर भी है, 4 और एक इधर। पूरे टोटल अपने गेम के अंदर और पुलिस स्टेशन के अंदर 5 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो हम लोग आज इस टूल के अंदर आ चुके हैं। तो हम लोग इधर से देखो कंट्रोल करने वाले इसको, हम लोग लिखेंगे CCTV ऑन। तो देखते हैं CCTV ऑन होता है कि नहीं। CCTV ऑन मैंने लिख दिया है और भाई मैंने लिख तो दिया, लेकिन भाई ये कंट्रोल जहाँ से होंगे वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं इतने सारे बेंच लगे हुए हैं, लेकिन और जो सामने टेबल है इसके ऊपर ना कोई कंप्यूटर रखा है ना कोई PC रखा है। तो हम लोग किससे इसको कंट्रोल करेंगे? तो ये मिथ बस्टेड है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। अगर आप लोग को ये मिथ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए। तो ऑलराइट गाइस, हम लोग का अगला मिथ ये होने वाला है कि हम लोग एकदम थर्ड वाले फ्लोर पे हम लोग जा सकते हैं। उधर जो अगर हम लोग जेट पैक से जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट वहाँ पे रहता है और हम लोग गिरेंगे नहीं। तो मैंने मैंने सुपर जेट पैक को बुला लिया, बड़े वाले जेट पैक को 320 के चीट कोड से। और मैं चलने वाला हूँ अपने मतलब इधर। भाई आप लोग इसकी मैं बात कर रहा था जो थर्ड फ्लोर पे जो आप लोग देख सकते हैं रूम है, इस पर अगर हम लोग जाएंगे तो इधर
ट्रांसपेरेंट है और हम लोग गिरेंगे नहीं। तो भाई मैं आ चुका हूँ और भाई जो अपना कैरेक्टर वो पे गिरा हुआ है और उठने के बाद क्या होता है नीचे न चले जाए। नहीं गाइस, हम लोग यहाँ से उठ चुके हैं और ये ट्रांसपेरेंट है और हम लोग यहाँ से नीचे नहीं गिरेंगे, आप लोग खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे भाई एकदम कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कोई चीज़ शो पीस के लिए नहीं बना भाई, बहुत ही अच्छा ये मिथ है। मिथ ये आप लोगों को कैसे लेके कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो भाई यहाँ से हम लोग कुछ भी कर ले, लेकिन ना बाहर जाएंगे ना यहाँ से गिरेंगे हम लोग, क्योंकि भाई ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये मिथ कैसा है, ये मिथ भाई कन्फर्म है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो ऑल राइट गाइज, हम लोग का अगला मिथ ये होने वाला है कि अगर हम लोग के गेम के अंदर नए अपडेट के बाद जो हाउस है उसका कलर हम लोग अगर RGB में करेंगे, उसका जो अंदर का कलर है वो ट्रांसपेरेंट जो हो जाता था वो नहीं होगा अब। और हम लोग जल्दी से इसको करके ट्राई कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा इसके पहले वाले अपडेट के में, जब अपना अपडेट नहीं आया तो उसमें हम लोगों का जो हाउस था अगर उसको हम लोग RGB में करते तो अंदर का जो हाउस का कलर रहता था वो ट्रांसपेरेंट हो जाता था। तो हम लोग लिख देते हैं हाउस कलर RGB। तो मैंने हाउस कलर RGB लिख दिया तो अपना जो हाउस है वो RGB में कन्वर्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग चलते हैं अंदर उसका, देखते हैं हम लोग का जो हाउस का अंदर कलर वो ट्रांसपेरेंट हुआ है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं जो अपना हाउस का कलर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, जो ये कलर है ये फिक्स कर दिया गया अपने गेम के अंदर। पहले हम लोगों का तो नहीं था, पहले हम लोगों का जो हाउस के जो अंदर का कलर था वो ट्रांसपेरेंट हो जाता था, लेकिन अब ये नए अपडेट के बाद जो ये हाउस का कलर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो ये मिथ कन्फर्म है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर जो फ़ोन है इसको और फ़ोन और जो ये मतलब कैरेक्टर का जो ये चलने वाला और जो फ़ोन का ऑप्शन आता है इन सबको हाइड कैसे करें, ये भी एक मिथ है भाई हम लोग के गेम के अंदर। उसके लिए हम लोग को अपने फ़ोन को ओपन करना रहेगा। फ़ोन को ओपन करने के बाद RGS टूल के अंदर जाने के बाद लिखना रहेगा, जैसा मैं लिखूँगा से मैं साफ भी लिखिए, UI ऑफ लिखेंगे, ऑन तो आई वाई, UI ऑफ लिखने के बाद तो अपना जितना ये कंट्रोल से ये सारे हाइड हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग इसमें लिखेंगे UI ऑन लिखने के बाद, भाई UI इन लिख दिया भाई मैंने, फिर से मैं लिखता हूँ UI ऑन लिखना है तो अपना जो ये सारे कंट्रोल्स और फोन है ये सारे हाइड नहीं होंगे, अनहाइड हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मिथ कैसा है कमेंट करके बताइए, ये मिथ कन्फर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, हम लोग का अगला मिथ ये होने वाला है कि हम लोग अपने गेम के अंदर जो अपना कैरेक्टर है और जो ये फ़ोन है, सॉरी कैरेक्टर नहीं, जो अपना फ़ोन है इसके कलर जो साइड साइड के होते हैं इसको हम लोग कैसे चेंज करें। जैसा कि मैं आप लोग को फ़ोन दिखा देता हूँ, अपना जो ये साइड का जो कलर है वो भी फ़ोन का येल्लो में है, इसको हम लोग कैसे चेंज करें दूसरे कलर में, इसका मिथ हम लोग बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो पे अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों को आना है RGS टूल के अंदर, उसके बाद जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा आप भी लिखिए। आप लोगों को लिखना रहेगा फ़ोन जैसा मैं लिखूँगा वैसा आप भी लिखिए, फ़ोन कलर। और कलर लिखने के बाद आप लोगों को जिस कलर में करना वो लिख दीजिए, जैसे मुझे करना है रेड कलर में तो मैं रेड लिख दिया हूँ, तो अपना जो फ़ोन का कलर है वो रेड में साइड का हो चुका है। और मैं अगर आप लोगों को दूसरा कलर करना हो तो आप लोगों को फिर से लिखना रहेगा फ़ोन कलर, और जिस कलर में आप लोगों को करना रहेगा जैसा मैं करने वाला हूँ इसमें, इसमें मैं करूँगा ग्रीन करूँ क्या येल्लो, तो भाई आप लोगों को दिखाया तो लिखे एक बार फिर से दिखा देते हो येल्लो करके, आप लोग देख सकते हैं अपना फिर से कलर येल्लो हो चुका है। और अब मैं करने वाला हूँ ग्रीन कलर, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ हाउस कह रहा हूँ फ़ोन कलर ग्रीन। देखूँ ग्रीन में भाई अपना फ़ोन जो है वो कैसा लगता है, तो मैं वाइट, भाई वाइट नहीं देखा ना आप लोगों ने, वाइट भी होता है, जी हाँ गाइस आप लोग देख सकते हैं अपना फ़ोन जो वाइट भी हो सकता है। तो ये वाइट कलर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, पूरा फ़ोन जो अपना वो वाइट हो चुका है भाई, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मैं कन्फर्म है, तो ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ऑलराइट गाइस, हम लोग अब चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।